है, और वो लोग मध्य प्रदेश में रहते थे उस वक्त। हाँ उसके बाद आई क्रिश। हाँ अब क्रिश में क्या हुआ, जो ऋतिक रोशन साहब यानी कि जो उनका कृष्णा, कृष्णा कृष्णा को पता चला कि उसके डैड एक्चुअल में जिंदा है और वो सिंगापुर में है। तो इस क्रिश मूवी के अंदर वो अपने डैड को ढूंढने जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश से सिंगापुर जाते हैं, ठीक है। फिर सिंगापुर में उनको उनके डैड मिलते हैं, फिर वो प्रोफेसर से लड़ाई होती है, उसके बाद जाके वो वापस इंडिया आते हैं। और इंडिया में फिर जब क्रिश्री आई, उस वक्त ये दिखाया गया कि अब रोहित मेहरा, प्रिया मेहरा, वो लोग मुंबई में आ चुके हैं। उन लोगों ने मध्य प्रदेश छोड़ दिया और वो मुंबई में आ चुके हैं, मुंबई में आ गए। हाँ, और यहाँ पर कृष्ण की जो दादी है, कृष्णा की जो दादी है, उनका डेथ हो चुका है जी। अब कृष्ण 3 के मैं एंड क्रेडिट की बात करूँ तो लोगों को ये दिखाया गया कि प्रिया मेहरा का जो बच्चा है, कृष्ण एक लड़का हुआ है, और हाँ जी बोलिए, तो उनको एक लड़का हुआ है, और आगे जाकर ये दिखाया कि उसके पास भी सुपर पावर्स हैं। हाँ, ये दिखाया नहीं था, बस उनके रिएक्शन से हम लोगों को मालूम पड़ गया कि हाँ कुछ तो बवाल है। हाँ, वो तो पता चल गया था। तो अब आगे की स्टोरी मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके के हो सकती है। अब कुछ रिपोर्ट्स की मानोगे ना आप तो ऐसा बताया जा रहा है कि राकेश रोशन सर ना एंड गेम से इंस्पायर्ड होके उन्होंने सोचा है कि इसमें भी टाइम ट्रेवल किया जाए। अच्छा, और देखो इसमें गलत नहीं है, जब वो हाँ, तो कोई नहीं है। नहीं। ऐसा लोग ऐसा डबल माइंडेड सोचते हैं। देखो इंस्पायर तो सब सारे क्रिएटर, जैसे मैं हूँ, मैं भी बहुत से क्रिएटर्स को, जैसे सुपर सुपर हुए, देसी नाड़े, इन सबको मैं देख के भी बहुत वो लगता है कि हाँ भाई सुपर हीरो क्रिएटर में ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, कम से कम थोड़ा जगा तो रहे हैं ऑडियंस को। तो क्रिश गोर में मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से होगा कि जो रोहित का जो बेटा है यानी कि कृष्णा, अब कृष्णा उसका भी बेटा हो गया अभी। हाँ, रोहित। हाँ, फिर से उन्होंने उसका नाम रोहित रखा है। हाँ, तो अब जब रोहित की जो टीन स्टोरी है, जो टीन एज वाला एज है, वो दिखाया जाएगा, और इसमें हम लोगों को ये पता चलेगा कि जो एक्चुअल रोहित है यानी कि जो इसके दादा है, उन्होंने उसके डैड ने कंप्यूटर बनाया था। अच्छा, और वो कंप्यूटर, इसको पता चलता है कि हाँ ये कंप्यूटर अभी भी वर्किंग में है, एक्टिव है। अच्छा, तो ये हो सकता है कि रोहित, मतलब जो अपना रोहित है, वो उस कंप्यूटर को रीएक्टिवेट करे और वो फिर से जादू को बुलाए, और एक्चुअल रिपोर्ट की मानो तो जादू रिटर्न होने वाला है, ऐसा खुद ऋतिक रोशन ने बताया। अरे वाह, इंस्टाग्राम के उन्होंने रिसेंटली 15 ईयर्स ऑफ क्रिश का एक वीडियो डाला। मुझे क्रिश 3 में लग रहा था, कि मुझे लगा कि जब ट्रेलर आया था, मैंने बच्चा ही था उस टाइम, तो मैं सोचता था यार थोड़ा जादू वादू दिख जाए शायद मजा आ। एक्चुअल में उस कैरेक्टर का नाम जादू नहीं है, उसको रोहित के फ्रेंड्स जादू बुलाते हैं। उस कैरेक्टर का एक अलग से स्पीशीज है जो कि एलियन स्पीशीज है। हाँ, और क्रिश 4 और 5 में हम लोगों को वो एक्सप्लोर किया करते हुए देखने को मिलेगा। हाँ, और आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, जब क्रिश 3 का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च किया गया था, तब वो लॉन्च किया था मिस्टर अनिल कपूर सर ने। इवेंट में अनिल सर भी आए थे, और अनिल सर ने मीडिया के सामने राकेश रोशन सर से रिक्वेस्ट करी कि सर देखो आप क्रिश 3 बना रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, मैं भी देखूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज क्रिश 4 में मुझे भी कास्ट करना, ऐसा उन्होंने कहा है। वाओ, और क्या पता वैसा हो भी जाए, क्योंकि स्क्रिप्ट की लॉकिंग हो चुकी है। क्रिश 4 और 5 एक साथ शूट होने वाली है। ऋतिक रोशन अभी फाइटर की शूटिंग में बिजी है, विक्रम वेदा का एक हिंदी रीमेक बनेगा उसमें भी बिजी है, तो उसके बाद जाके क्रिश 4 और 5 की शूटिंग स्टार्ट की जाएगी, और ये दोनों शूट एक साथ होने वाले हैं। तो स्टोरी वाइज ये लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि पहले फोर्थ पार्ट में हम लोगों को दिखाया जाए कि जो रोहित है वो टीन एज में है, वो फिर जादू को लेके आया, जादू वापस आ चुका है, और जादू की स्पीशीज जो है, मतलब मूवी के एंड में हम लोगों को ये बताया जाएगा कि रोहित की जो लव इंटरेस्ट है, और मतलब जो नई हीरोइन होने वाली है क्रिशपुर में, तो अभी राकेश रोशन सर का फॉलो करोगे ना तो उसकी उनकी हर एक मूवी के से आती है। कैसे? हाँ, के से आती है, के उनका लकी चार्म होता है। करण अर्जुन ले लो, क्रिश ले लो, बहुत सारी मूवी के से आती है उनकी। ऐसा उन्होंने हिंट दिया था कि मेरी जो नई हीरोइन होगी उसका नाम भी के से आएगा। तो बहुत से लोगों ने ऐसा गेस किया कि के से बॉलीवुड में दो ही एक्ट्रेस है जो काफी अच्छा काम करती है, एक तो कृति सेनन है और एक दूसरी है कायरा अडवाणी। तो अब ऐसा कृति सेनन की बात की जाए तो वो आने वाले प्लान्स में वो बिजी में शेड्यूल है, शेड्यूल उनका बिजी है, पूरे तरीके से फुल शेड्यूल है उनका। तो जब कीरा से बात करी गई मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो कीरा ने एक ऐसा हिंट दिया कि देखो मैं क्रिश की फैन हूँ, ऋतिक रोशन की भी फैन हूँ,
बट मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, उसमें मेरी बातचीत चल रही है राकेश रोशन से। अरे तो उन्होंने बात बातों में बता दिया कि वो है फिल्म के अंदर।